हम देश में एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं कि पिछले 4 हफ्तों से 28 दिनों से, जबकि हमारे देश में हाईएस्ट डेली केसेस 4,14,000 आए थे, वह अब घटते घटते पिछले 24 घंटे में देश में मात्र 1,32,000 केसेस करीब रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 8 दिनों से केसेस 2 लाख से भी कम आ रहे हैं, और अगर देखें कि कल के डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह घटते घटते 1.5 लाख से भी कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम 7 मई की हाईएस्ट रिपोर्टेड पीक के कंपैरिजन में एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में रिपोर्टेड केसेस ऑन ए डेली बेसिस अब 68% के करीब डिक्लाइन हो चुके हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें से भी नए केसेस अराउंड 66% केसेस इफेक्टिवली 5 स्टेट से आ रहे हैं और बाकी 33% केसेस 31 स्टेट से आ रहे हैं, विच इज ए साइन टू इंडिकेट कि जो इन्फेक्शन है वह एक लोकलाइज एरिया में ही अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। 29 स्टेट ऐसी हैं जो कि 5,000 डेली केसेस से कम भी ओवरऑल रिपोर्ट कर रही हैं, विच ऑल्सो शोज कि ओवरऑल इन्फेक्शन स्प्रेड को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर हम इसी डेटा को एनालाइज करें वीकली बेसिस पर एवरेज केसेस देश में जो आ रहे थे, तो आप देखेंगे कि जहां 1 से 7 मई वाले सप्ताह में उस वीक के टोटल केसेस को, साप्ताहिक केसेस को 7 से अगर हम उसको भाग करें, यानी कि एवरेज डेली केसेस कितने आए हैं, तो देश में एक स्थाई पर 3.89 लाख केसेस जो आ रहे थे वह पिछले 4 हफ्ते से एक डिक्रीजिंग ट्रेंड हम नोट कर रहे हैं। घटते घटते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल केसेस में पिछले 3 हफ्तों में 20% से भी कम एक जो डिक्रीज हम नोट कर रहे हैं। साथ ही अगर पिछले हफ्ते से इस हफ्ते को कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 33% केसेस जो देश में रिपोर्ट हो रहे थे उसमें कमी पाई जा रही है। ओवरऑल पीक के मुकाबले अगर हम कंपेरिजन करें तो हम पाते हैं कि हमारे केसेस पीक के मुकाबले 63% देश में ओवरऑल डिक्लाइन नोट कर रहे हैं। अगर उसी के साथ हम एनालाइज करें कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस आ रहे हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें भी एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। वह जिले जहां हाई केसेस आ रहे थे, तो जहां 29 अप्रैल से 5 मई वाले वीक में 538 ऐसे जिले थे जहां पर 100 से अधिक केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे थे, वह अब घटकर 257 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रह गए हैं। यानी कि 281 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस में एक विजिबल डिक्रीज नोट किया गया है। साथ ही अगर आप देखें कि ऐसे जिलों की संख्या में किस तरह से चेंज आया है, तो आप देखेंगे कि जहां 8 से 14 अप्रैल वाले हफ्ते में 243 जिले थे जहां पर कि 100 से अधिक केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते पीक के समय में 538 ऐसे जिले हो चुके थे, जो कि घटते घटते अब 27 माह से 2 जून वाले हफ्ते में अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे 257 जिले हैं जहां पर कि केसेस जो हैं 100 से अधिक आ रहे हैं। और इसमें भी हम देखें तो काफ़ी जिले लिमिटेड 5 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, जिससे कि पता लगता है कि जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वह काफ़ी कुछ हम लोग लोकलाइज करने में सफल हुए हैं। इसी के साथ ही आप देखेंगे जो एक्टिव केसेस होते हैं, यानी कि वह केसेस जिनको कि हम या तो हॉस्पिटलाइजेशन या होम आइसोलेशन में मॉनिटर करते हैं, उनमें भी संख्या में काफ़ी कमी अब नोट की जा रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से कंटिन्यू डिक्रीज है एक्टिव केसेस में, जहां 37 लाख के करीब हमारे एक्टिव केसेस 10 मई के समय पर थे, वह अब घटते घटते 16.35 लाख के करीब हो गए हैं। यानी कि जो हमारी एक्टिव केसेस ओवरऑल केसेस के 17.13% थे, वह अब घटकर 5.73% हो चुके हैं। और ये जो एक्टिव केसेस आज हम देखते हैं देश में, यह करीब 50 दिनों बाद आज देश में इतनी कम संख्या में हम एक्टिव केसेस लाने के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ज़रूरत है कि हम इस पर एफर्ट करते रहें, हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटी, हमारी क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्टिविटी पर उसी स्थाई से कार्य फील्ड पर चलता रहे। साथ ही अगर आप देखें कि रिकवरी, यानी कि वह केसेस जो रिकवर हुए विजावी वह केसेस जो कि दिन में रिपोर्ट हुए, उसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि जो पिछले 24 घंटे में एक स्थाई पर जहां देश में 2 लाख से अधिक केसेस रिकवरी की दृष्टि में आते हैं, उसी के अनुपात में 1.32 लाख केसेस जो हैं वो नए रिपोर्ट हुए। यानी कि 74,000
कि करीब ऐसी केसेस हैं जिनमें रिकवरी हुई है विदवी न्यू केसेस जो पिछले 24 घंटे में हैं, उसमें भी एक पॉजिटिव विषय यह है कि 32 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि रिकवरीज को हाइयर रिकवरीज रिपोर्ट कर रही हैं विदवी डेली केसेस जो पिछले 24 घंटे में हैं, और साथ में 7 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि 10,000 से अधिक रिकवरी ऑन ए डेली बेसिस पर उन्होंने पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किया है। यहाँ मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कुछ स्टेट्स में रिकवरी में एक पॉजिटिव ट्रेंड जो नोट किया जा रहा है। जैसे हम राजस्थान में देखें तो 6,456 रिकवरी हैं विदावी 1,258 न्यू केसेज रिपोर्टेड, यानी कि रिकवरी का अनुपात इज 5 टाइम्स मोर देन द न्यू केसेज बींग रिपोर्टेड इन दैट स्टेट। सिमिलरली उत्तराखंड में 3,000 केसेज के अधिक रिकवर हुए हैं और वहाँ पर 589 केसेज नए केसेज आए हैं, वहाँ पर भी 5.75 का अनुपात है। इस डेटा के द्वारा हम आपकी दृष्टि में इफेक्टिवली ये लाना चाहते हैं कि हम एक रिकवरी में ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट कर रहे हैं विदावी द न्यू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बींग नोटेड थ्रू द न्यू केसेज बींग रिपोर्टेड। इसी एफर्ट्स के चलते हम देख रहे हैं कि देश का ओवरऑल रिकवरी रेट इम्प्रूव भी हुआ है। जहाँ 3 मई वाले दिन में अगर देश में टोटल रिकवर्ड केसेज वर अराउंड 81.8%, तो अब हम देखते हैं 4 जून तो तक वह बढ़ते बढ़ते 93.1% हो गया है। हमने देखा है कि पिछले 2 माह में ओवरऑल रिकवरी हमारी 93% उस स्टेज पर, हम पिछले 2 माह के एफर्ट्स कंटिन्यू करते हुए इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं। इसी तरीके से जैसे इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि एक स्थाई पर देश में हमने टेस्टिंग को बढ़ाया है, दूसरे स्थाई पर कंटेनमेंट पर हमारे एफर्ट्स करने की वजह से ओवरऑल देश की पॉजिटिविटी यानी कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन का जो मेजर है उसमें भी कमी नोट की गई है। आप देखेंगे तो पाएंगे जहां 30 अप्रैल वाले हफ्ते में देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 21.6% थी, वह अब घटते घटते 7.27% हो चुकी है। और इसके साथ ही मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि देश की हर स्टेट में अब हम एक कंटिन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी भी नोट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम इसी डेटा को फर्दर एनालाइज करें कि पिछले एक हफ्ते में पॉजिटिविटी का ट्रेंड कैसा रहा है, तो हम देखेंगे कि जो कंटिन्यू डिक्लाइन है तो वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी देश में इस समय 7.27% है, और अगर हम पिछले 24 घंटे की पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट इज़ एज लो एज 6.38%। यहाँ हम फिर आप लोगों के द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे कि ये ट्रेंड बनाए रखना है। जरूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स, जरूरी है हमारी रिस्ट्रिक्शंस एंड फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसी स्थाई से चलता रहे। साथ ही जैसे हम देखते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं देश में जहां पर कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है, तो उसमें भी हम देखेंगे तो पाते हैं जहां 7 मई वाले वीक में ऐसे 92 जिले थे देश में, अब वह बढ़कर 377 जिले हो गए हैं, यानी कि 285 जिलों में ये वृद्धि नोट की गई है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि एक स्थाई पर कंटेनमेंट पर एफर्ट्स करने की वजह से पॉजिटिविटी कम हो रही है, साथ ही ओवरऑल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल एक्टिव केसेस यानी कि जो केसेस हेल्थ सिस्टम को मॉनिटर करने उसमें कमी पाई जा रही है, एंड ओवरऑल देश में रिकवरी में एक अच्छी बढ़ोतरी नोट की जा रही है।